Hey guys, hello everyone. Subscribe to QCL, hit the bell icon. दोस्तों, friends, dear all, QCL को subscribe करने के साथ साथ ये ज़रूर मेरी request रहती है और हमेशा रहेगी. If you want awesome benefit about yourself, then you have to watch full video till to end. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें. चलिए स्टार्ट करते हैं 3rd जून 2020 का करंट अफेयर. सो लेट्स स्टार्ट. तो फ्रेंड्स, आप 3rd जून का पहला क्वेश्चन सुनिए. हाल ही में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है, दोनों तरह से. तो तेलंगाना का राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है कब? 2 जून को. ये 2 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 जून 2014 में तेलंगाना उस टाइम पर 29वां राज्य बना था. 29वां नंबर का स्टेट बना था कौन? तेलंगाना. उस टाइम पर आज जम्मू एंड कश्मीर को यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है. तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो यूटी बने हैं, तो अब 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं. उस टाइम 29 थे, तो 29वां नंबर का ये राज्य बना था तेलंगाना 2 जून 2014, यानी 6 वर्ष कंप्लीट हो गए. अब तेलंगाना की दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो अभी तेलिया रुमाल को GI टैग मिला था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आपको कुछ दिन पहले ही बताया है, तेलिया रुमाल ये बहुत बड़े बड़े और इस पर काले सफ़ेद और लाल कलर, ब्लैक वाइट एंड रेड कलर के डिज़ाइन बनाए जाते हैं. एक दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह कि बी सेफ टनल फॉर सैनिटाइजेशन, क्या सैनिटाइजेशन के लिए बी सेफ टनल ये लॉन्च हुआ था. ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखना है आपको. अब तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस 2 जून को मनाया गया है, ठीक है. तो इसके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो अभी हैं के चंद्रशेखर राव, प्रेजेंट टाइम पर ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे तेलंगाना के. और गवर्नर अभी डॉक्टर तमिलशाही सौंदरराजन हैं. और फर्स्ट गवर्नर कौन थे, क्योंकि पूछा जा सकता है पहले गवर्नर कौन थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ राज्य बना हुआ. तो पहले गवर्नर थे ई एस एल नरसिम्हा, ये इसके फर्स्ट गवर्नर थे. और अभी कौन है? डॉक्टर तमिलशाही सौंदरराजन. कैपिटल क्या है? हैदराबाद. तो इतना आप तेलंगाना के बारे में याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. हाल ही में अभी बॉबी जो मोरो का निधन हो गया, ये कौन थे? बॉबी जो मोरो की डेथ हो गई, ये कौन थे? तो ये एक धावक थे और इन्होंने 1956 में ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल भी जीते थे. ये एक प्रसिद्ध मतलब फेमस धावक थे, प्रसिद्ध धावक थे. और अभी इनका निधन हो गया, किसका? बॉबी जो मोरो का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी COVID-19 पर एक बुक बिहाइंड द COVID-19 किसने लिखी है? हाल ही में COVID-19 पर एक बुक बिहाइंड द COVID-19 किसने लिखी है? तो अब मोहम्मद अब्दुल मन्नान. दोस्तों, ये पहली बार हो रहा है, मैंने मुस्लिम कम्युनिटी में अभी तक जितने नाम सुने हैं उसमें या तो सिर्फ अब्दुल होता है या मोहम्मद होता है, लेकिन मैंने आज ऐसा नाम पढ़ा जो मोहम्मद अब्दुल मन्नान था. लेकिन अभी इससे पहले मैंने कभी कोई नाम नहीं सुना, क्योंकि या तो अब्दुल लगता है या मोहम्मद लगता है, लेकिन ये नाम ऐसे ही है, मोहम्मद अब्दुल मन्नान. इन्होंने ही कोरोना वायरस COVID-19 की उत्पत्ति कहाँ कैसे हुई इस सब के बारे में पूरी डिटेल के साथ एक किताब लिखी है. क्या बुक का नाम है? बिहाइंड द COVID-19, मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो जल जीवन मिशन का कल भी एक क्वेश्चन लिया था, आपको याद होगा. कौन सा क्वेश्चन लिया था जल जीवन मिशन का? कि छत्तीसगढ़ को 445 करोड़ रुपए के लोन की मंजूरी दी थी भारत सरकार ने, और अभी 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है जल जीवन मिशन के लिए किस राज्य को भारत सरकार ने? तो ये दी है मेघालय को. वो छत्तीसगढ़ के था 445 करोड़ रुपए का लोन एग्रीमेंट, जो लोन की मंजूरी, लोन की परमिशन, लोन अलाउ किया था, और ये 175 करोड़ रुपीस का मेघालय को अभी जल जीवन मिशन के लिए
अलाउ किया है, भारत सरकार ने मंजूरी दी है, परमिशन दे दी है। अब मेघालय की बात है, मेघालय से एक फैक्ट आपको हमेशा याद रखना है कि इस साल एक एक्सरसाइज हुई थी, कौन सा अभ्यास हुआ था, संप्रति सैन्य अभ्यास, किसके बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में, वो मेघालय में ही हुआ था, मेघालय में ही हुआ था, और ये कई बार बात हो चुकी है तो आपको याद हो गया होगा। तो ठीक है, अब ये जल जीवन मिशन है क्या कि मतलब जिस राज्य को ये लोन एग्रीमेंट मतलब लोन परमिशन मिलती है, क्यों मिल रही है, क्योंकि जल जीवन मिशन ताकि सबको वाटर कनेक्शन अवेलेबल हो सके, इसी के चलते भारत सरकार ने ये लोन की परमिशन दी है। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कांग्रेट संगमा और तथागत रॉय, ये कौन है, गवर्नर। कैपिटल क्या है, शिलोंग, ये याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का शुभारंभ अभी किसने किया है, हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला का शुभारंभ किसने किया है, तो हमारी ये खेल मंत्री हैं किरण रिजू भी कहते हैं इनको, किरण रिजू ने अभी प्रेजेंट टाइम के खेल मंत्री हैं, इन्होंने अभी खेलो इंडिया ऑनलाइन पाठशाला का उद्घाटन किया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़रा क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। हाल ही में अभी MSME को मजबूत बनाने या अधिक सशक्त करने के लिए चैंपियंस पोर्टल का शुभारंभ अभी किसने किया है, हाल ही में किसने MSME को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, तो अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपके मेरे हम सब के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक ऑनलाइन पोर्टल चैंपियंस पोर्टल का शुभारंभ किया है, और ये MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सशक्त बनाने के लिए, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हों उनका सॉल्यूशन करने के लिए इस चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया है, किसने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी की इक्वल रीच के लिए यानी समान पहुंच के लिए सी टैप को किसने लॉन्च किया है, हाल ही में लाइफ सेविंग तकनीक या लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए या इक्वल रीच के लिए ऐसे समझ लीजिए इंग्लिश में, सी टैप को अभी किसने बनाया है, तो सी टैप ये बनाया WHO ने, किसने, WHO ने। सी टैप कोविड 19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल ये उसकी फुल फॉर्म है, और जब ये होता क्या है कि जब कोई महामारी या बीमारी आती है दुनिया में तो उसके लिए काम होता है, रिसर्च होती है, तकनीकी काम होता है, टीक वैक्सीन मेडिसिन ये सब बनाया जाता है, तो इसकी ये मतलब इक्वल ये सबको मिल सके, समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हर देश की को ये प्राप्त हो सके, WHO ने एक सी टैप लॉन्च किया है। WHO ने क्या बनाया, सी टैप। अब WHO से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था कल कि अमेरिका ने अपने रिलेशन को ख़त्म कर दिया WHO को, यानी मेंबरशिप अपनी छोड़ दी WHO के साथ, ठीक, ये आपको बताया था, एक बताया कल ही क्वेश्चन बताया सबसे, और उससे पहले बताया था कि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में चाइनीज़ कंपनी को डिलिस्टेड भी किया है अमेरिका ने, और अभी कोई नई कंपनी रजिस्टर्ड भी नहीं होगी, और ये बताया था कि WHO की फंडिंग तो पहले ही बंद कर दी थी, अब कल मेंबरशिप का भी न्यूज़ बताया था आपको, क्वेश्चन बताया था, ख़त्म कर दिए। पाकिस्तान को भी $1,00,000 की हेल्प की, और इसके अलावा
हाँ, ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है अमेरिका ने। ओपन स्काई ट्रीटी क्या थी कि 35 देशों की एक संधि थी। इसमें क्या था कि एक दूसरे के देश पर बिना हथियारों के हवाई निगरानी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस संधि से भी, मतलब ये इस ट्रीटी को भी छोड़ दिया, ओपन स्काई ट्रीटी को अमेरिका ने। तो अमेरिका भी हाईलाइटेड है, ये आपको याद रखना है। WHO हाईलाइटेड न्यूज़ में है, ठीक है। WHO की बात है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट बहुत बार बताया, 7 अप्रैल 1948 में। और कौन है, टेड्रोस अधानो गिवनियंस, ये हेड एंड WHO के, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, हाल ही में अभी अतिरिक्त शराब पर उत्पाद शुल्क लगाने वाला कौन सा राज्य बना है? शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने वाला कौन सा राज्य बना है? किस राज्य ने शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो पंजाब बन गया है जो अभी शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाएगा। यही एक क्वेश्चन ऐसा ही पहले बताया था कि उड़ीसा ने शराब पर एडिशनल फीस लगाने की घोषणा कर दी है, और अभी ये लिक्वर यानी शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की 2 रुपये से लेकर 50 रुपये तक लगाने की, उत्पाद शुल्क कितना, 2 से 50 तक, और भी ज़्यादा हो सकता है मगर 2 रुपये से कम, इतना उत्पाद शुल्क बढ़ा के, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की घोषणा कर दी। किसने? पंजाब राज्य ने, पंजाब स्टेट ने, शराब पर। अब ये जो एडिशनल पैसा आएगा ना, अतिरिक्त जो उत्पाद शुल्क आएगा, उससे क्या होगा, कोविड-19 के लिए काम किया जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, गवर्नर बीपी सिंह बदनौर, और चीफ मिनिस्टर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो इतना आप याद रखिए। क्वेश्चन देखें दोस्तों, हाल ही में, ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में इजी फ्लाई संपर्क रहित ऐप को किस IIT के छात्रों ने डेवलप किया है? हाल ही में संपर्क रहित बनाने के लिए किस IIT के छात्रों ने इजी फ्लाई ऐप को डेवलप किया है? तो IIT गुवाहाटी। पहले लोग असम की कैपिटल गुवाहाटी को समझते थे, मैंने आपको बहुत बार बताया दिसपुर है, मगर गुवाहाटी असम में ही है, ठीक है। तो IIT गुवाहाटी के छात्रों ने अभी एक ऐप डेवलप किया है, इजी फ्लाई। उसे क्या है कि आपका संपर्क रहित, यानी रहित का मतलब उस दिन बताया नहीं, लेस नो, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब कोई फ्लाइट में आप, मतलब अपना बाई एयर ट्रैवल करते हैं, तो संपर्क किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कांटेक्ट तो होता नहीं उस टाइम पे, है ना, सारे मोबाइल फ़ोन वगैरह सब कुछ ऑफ होता है, क्योंकि बाई एयर ट्रैवल कर रहे हैं, जर्नी कैसी है, फ्लाइट से है। तो अभी इसी में कोई प्रॉब्लम जनरेट ना हो और सब कुछ अच्छा मैनेजमेंट के लिए क्या किया, एक ईजी फ्लाई, ठीक है, क्योंकि संपर्क रहित है तो इजी फ्लाई, इसी ऐप को डेवलप किया है। किसने? IIT गुवाहाटी के। बस ये आपको याद रखना, हवाई यात्रा में सफ़र की आसानी के लिए और संपर्क नहीं हो, क्योंकि संपर्क नहीं होता है जब भी किसी हवाई सफ़र में होते हैं, तो इसी आसानी के लिए IIT गुवाहाटी के छात्रों ने एक बेहतरीन ऐप डेवलप किया है, जो क्या है, इजी फ्लाई, याद रखना है जी। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी क्या, इसका नाम देखें ज़रा सा, अल्ट्रा स्वच नामक एक यूनिट को डेवलप किया है। हाल ही में अभी किसने अल्ट्रा स्वच नामक एक यूनिट में बोले तो इकाई को विकसित किया है, एक यूनिट को डेवलप किया है। तो अल्ट्रा स्वच इस यूनिट को डेवलप किया है DRDO, किसने? DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ है DRDO? DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली। तो DRDO ने अभी अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक यूनिट को डेवलप किया है, यूनिट को हिंदी में इकाई कहते हैं,
और क्या है इसका काम कि जो भी डॉक्टर्स पीपीई किट या दूसरे तरह के दूसरे टाइप्स के जो भी ट्रीटमेंट के लिए जो भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उन सबको स्वच्छ करना, क्लीन करना, एकदम फ्रेश बनाना, ये इसका काम है। अल्ट्रा स्वच्छ यूनिट के थ्रू होगा ये, DRDO ने इसको डेवलप किया है। 1958 में वैसे DRDO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और आपको हेडक्वार्टर तो अभी बताया मैंने, जी एस रेड्डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ये DRDO के हेड हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में COVID-19 के पेशेंट्स के लिए कहां रेलवे ने एक अलग आइसोलेशन कोच लगाया है। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहां COVID-19 के लिए आइसोलेशन कोच लगाया है, एक सेपरेट कोच बनाया है, मतलब ठीक याद रखना है। इंडियन रेलवे ने COVID-19 के पेशेंट के लिए सेपरेट आइसोलेशन कोच, अलग आइसोलेशन कोच लगाया है, तो ये न्यू दिल्ली में एक अलग से आइसोलेशन कोच बना दिया है इंडियन रेलवे ने COVID-19 के पेशेंट्स के लिए। अब ये इंडियन रेलवे की बात है तो पीयूष गोयल, एक बार बड़ा इसके ऊपर चर्चा हुई थी, मैंने एक दिन सब हर बार बताती हूँ, ओनली वन टाइम नहीं बताया था इंडियन रेलवे मिनिस्टर का नाम, तो मुझसे बार बार पूछा सब ने, एक दिन नहीं बताया था, सिर्फ वन डे, एवरी टाइम जब भी कोई रेलवे का क्वेश्चन आता है मैं बताती हूँ, एवरी मतलब हर क्वेश्चन में, रेलवे का कोई भी क्वेश्चन आए तभी भी एक बार ऐसा हुआ कि नहीं बताया, तो बहुत पूछा गया मुझसे। चले तो आगे चलते हैं, अभी पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम के, और इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे, जॉन मथाई, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बनाए गए हैं, इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बनाए गए हैं, तो PK त्रिपाठी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी अभी इस्पात मंत्रालय के नए सचिव बने हैं, याद रखना है। इस्पात कहते हैं स्टील को, अभी हमारे इस्पात मिनिस्टर कौन है, इस्पात मंत्री, तो हमारे कोयला एवं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम कोल एंड नेचुरल गैस जो मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम के, धर्मेंद्र प्रधान, वही स्टील मिनिस्टर भी हैं, क्या है, वही स्टील मिनिस्टर भी हैं धर्मेंद्र प्रधान, याद रखना है आपको। तो एक तो आपको ये याद रखना है, और एक जो है आपको क्या कहते हैं केमिस्ट्री को, हिंदी में केमिस्ट्री को कहते हैं, नहीं खाद्य एवं केम, हाँ यस, रसायन एवं उर्वरक कहेंगे हिंदी में, ठीक है, तो ये रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन बने हैं, रसायन एवं उर्वरक सचिव कौन बने हैं, तो उनका नाम है RK चतुर्वेदी, पीके त्रिपाठी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी किसके बने हैं, इस्पात मिनिस्ट्री के सचिव बने हैं, सेक्रेटरी बने हैं, और यानी स्टील मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी, स्टील मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी कौन बने, सचिव कौन बने, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, क्लियर कर लीजिएगा। और साथ ही में अभी जो रसायन एवं उर्वरक बताया है, इसके कौन बने हैं सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के, तो इसके बने हैं, क्या नाम बताया मैंने उनका, उनका नाम बताया आपको RK चतुर्वेदी, कौन, RK चतुर्वेदी, तो इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में किस चक्रवाती तूफान के दो राज्यों से टकराने की चेतावनी को जारी कर दिया गया है, किस चक्रवाती तूफान के दो राज्यों से टकराने की चेतावनी को जारी कर दिया गया है, तो ये है, इसका नाम है, क्या नाम है इसका, निसर्ग नाम है, और निसर्ग ये चक्रवाती तूफान है, आज के दिन यानी आज के 3 जून, ये कम से कम 2-3 दिन पहले इसकी न्यूज़ सुनी मैंने, तो ये 2-3 दिन पहले ही बता दिया गया था कि गुजरात और महाराष्ट्र, किन राज्यों से, गुजरात और महाराष्ट्र से ये टकरा सकता है। तो क्वेश्चन क्या था, किस तूफान के, ऐसे भी बन सकता है किस चक्रवाती तूफान के, या किन राज्यों से निसर्ग चक्रवाती तूफान के टकराने की घोषणा, तो कैसे भी बन जाएगा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो निसर्ग
जो है चक्रवाती तूफान वो महाराष्ट्र गुजरात से आज के दिन 3 जून का था कि ऐसा हो सकता है कि मतलब कुछ टकराव हो सकता है, जैसे चक्रवाती तूफान उड़ीसा में उसके लिए एक चेतावनी जारी की गई थी अम्फान के लिए, तो मतलब वहाँ पर आने की संभावना हो जाती है जब ऐसी चेतावनी जारी हो जाती है। तो कहाँ, महाराष्ट्र और गुजरात, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक, और तो कोई क्वेश्चन आपका? तो डियर ऑल, आज के लिए इतना इनफ है, काफ़ी है आज। इसको सुनिए ध्यान से, बहुत अच्छे से सुने, इन्जॉय करें, बी हैप्पी, ऑल द बेस्ट, पर पढ़ने में पूरा ध्यान लगाएं। जितना अच्छा आप मुझे रिस्पांस देंगे उतना ही बेहतरीन वीडियोस मैं आपको डिलीवर करूंगी। मैंने इंग्लिश और जीएस की वीडियो क्यों अभी स्टॉप करके रखी हुई है, एक बार चैनल मोनेटाइजेशन हो जाए उसके बाद फिर मैं ये भी शुरू करूँगी, लेकिन अभी मैंने थोड़े दिन के लिए क्यों स्टॉप करके रखा है, क्योंकि आप लोग फ़िलहाल इसको सुनिए, बिल्कुल शेड्यूल बना के रोज़ाना रेगुलर कंप्लीट वॉच कीजिए, देखिए आपको कितना फ़ायदा होता है। और उसके बाद फिर बहुत सारे सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे, अभी मैंने इंग्लिश और फ़िलहाल जीएस के वीडियो को, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी एंड गवर्नेंस और ज्योग्राफी और दूसरे साइंस एंड टेक दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, उनको मैंने स्टॉप करके इसीलिए रखा है कि एक बार मेरा थोड़ा चैनल की तरफ ध्यान भी है, कि मोनेटाइजेशन के बाद जो मैंने कुछ दिन से रेस्ट ले रखा है इंग्लिश और जीएस का, इसको भी मैं कंटिन्यू करूँगी। तो ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।